नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक्स को हम ब्लू चिप स्टॉक क्यों बोलते हैं, किस कंपनी के स्टॉक को हम ब्लू चिप स्टॉक बोलेंगे, ब्लू चिप के स्टॉक में हम क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हमारा कितना सेफ है, और जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है उसके ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमें एक नई मोटिवेशन देता आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स होता क्या है, हम किन कंपनियों के स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक बोलेंगे। तो वैसे कंपनियां मार्केट लीडर्स होता है अपने सेक्टर का, तो जो कंपनियां अपने सेक्टर का मार्केट लीडर्स होता है। दूसरी बात कि जो कंपनियां होती है वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, मतलब जो भी बिजनेस है उनका बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, वो अपने सेक्टर का वेल नोन कंपनियां होती है और जिसके प्रोडक्ट और सर्विसेज डोमिनेट करते हैं मार्केट में, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट होना चाहिए और जो सर्विसेज होना चाहिए वो बहुत ही डिमांड में होना चाहिए मार्केट में, मतलब उसके कंप्यूटर जो है उसके बेसिस पर इनके प्रोडक्ट जो है कंपनियों के ज़्यादा डिमांड में होना चाहिए, मतलब प्रीफर करे कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट। और आगे जो बात है कि कंपनी शुड बी लार्ज कैप, कंपनी जो होना चाहिए लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसका वेल कैपिटलाइज होना चाहिए, और कंपनी का जो बिजनेस है वह वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो, अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हो जिससे ये मार्केट को कैप्चर करता हो। तो ये सारी खूबियां जिन कंपनियों में होती है उस कंपनी को हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं और उस कंपनी के स्टॉक को हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा व्हाई ब्लू चिप स्टॉक्स आर मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टर जो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसा जानते हैं कि अभी जो मार्केट में गिरावट है, ऐसे गिरावट में आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक में ही करनी चाहिए, मतलब जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जो मतलब जो मार्केट के वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी लेस रिस्की, मतलब जब मार्केट आपका फॉल होगा तो ये कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं बहुत ही कम फॉल होगा, इसलिए आपको ब्लू चिप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करनी चाहिए जब मार्केट में देख सकते हैं इतना ज़्यादा गिरावट आया है। उसके बाद इट इज़ वेरी सेफ, जब हमारा बहुत ही लेस रिस्की है तो निश्चित है कि ये कंपनियों के स्टॉक्स जो है, मतलब ब्लू चिप कंपनी स्टॉक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। उसके बाद इट गिव्स कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं देंगे, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप हमारा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, लेकिन जब मार्केट फॉल होता है तो वो कंपनियों के स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा फॉल भी करते हैं। तो ये कंपनियाँ जो होती है आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है, और जो मार्केट फॉल होता है तो बहुत ही कम इसमें फॉल होता है। तो ये सारे मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, या कहें इस सारी क्वालिटी है जिसके कारण जो इन्वेस्टर है ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ ये हाईली स्टेबल होते हैं। इट शोज कंसिस्टेंट ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म्स, इट गिव्स गुड रिटर्न, इट आल्सो गिव्स रेगुलर डिविडेंट, मतलब रेगुलर जो है डिविडेंट पे करती है जो ब्लू चिप कंपनियां है। आप देख सकते हैं अभी बहुत मार्केट में फॉल आया है, लेकिन फिर भी जो आपको ब्लू चिप कंपनियां होगी, जो अच्छे कंपनियां होगी वो आपको लगातार डिविडेंट दे पे करेगी, लेकिन जो स्मॉल कैप है उनके जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह से फॉल हो चुके हैं, तो ऐसे में वो आपको डिविडेंड नहीं दे सकते। तो इसलिए जो मार्केट के वेल एस्टेब्लिश्ड होती है कंपनियां, मतलब जो ब्लू चिप कंपनियां होती है, वो लगातार रेगुलर आपको डिविडेंड पे करती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स, तो आपने देखा कि क्यों, मतलब कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला है कि इट हैज़ हाई लिक्विडिटी, इसमें बहुत ही लिक्विडिटी होती है, मतलब बहुत ही क्वांटिटी जो है बाय और सेल होती है इसमें, तो जिसके कारण आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, जिसके कारण आप ब्लू चिप कंपनियों में कभी भी बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनियाँ होती है, स्मॉल कैप कंपनियाँ होती है, जैसे मार्केट फॉल करेगा तो उसमें आपको लोअर सर्किट, मार्केट जब अप जाएगा तो उसमें अपर सर्किट, ऐसे में आपको उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, मतलब फॉल करते इसमें आप सेल नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रोथ होगा तो उस समय बाय नहीं कर पाएंगे, उसमें लिक्विडिटी की कमी होती है स्मॉल कैप में। तो लेकिन ब्लू चिप कंपनियों में कभी भी आपको लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आएगी। अगला है इट इज लाइक ए बाय एंड फॉरगेट टाइप ऑफ स्टॉक्स, मतलब इन स्टॉक्स को माना जाता है कि आप बाय कर लीजिए और फॉरगेट कर जाइए, मतलब कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, आपको निश्चित है कि अच्छा रिटर्न देंगे। यू कैन इन्वेस्ट इन इट फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट फियर, मतलब आप इसमें बाय एंड फॉरगेट टाइप है तो आप बिना फियर के, बिना किसी डर के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे क्या इतना ईजी है इन्वेस्टिंग करना स्टॉक मार्केट में, तो मतलब इस पॉइंट पर हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या ये वास्तव में बाय और फॉरगेट टाइप वाला है, क्या ये
वास्तव में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने में हमें कोई फियर नहीं होना चाहिए इसमें। अगर इतना इजी है तो लोग क्यों ना इन्वेस्ट करते हैं। आगे है, बाय इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स यू कैन स्लीप फियर पीसफुल्ली। मतलब ब्लू चिप स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप शांतिपूर्वक इसमें इन्वेस्ट करके सो सकते हैं। इन लॉन्ग टर्म होराइजन इट ऑलवेज गिव्स कंसिस्टेंट रिटर्न, इट इज नॉट अफेक्टेड मोर व्हेन मार्केट फॉल। मतलब ये जब मार्केट फॉल होता है तो ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, और आल्सो ये आपके इमोशन को अफेक्ट नहीं करता है। कि मतलब आपका जो इमोशन होता है कि हमारे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें तेजी देखने मिलेगा, इस तरह के जो इमोशन होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन, इस तरह के इमोशन इसमें बहुत कम देखने मिलता है। और आल्सो ये से स्टॉक जो होते हैं हमारे इकोनॉमी के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब हमारे इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया कि हाउ मच सेफ इज ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक कितना सेफ है। मतलब ब्लू चिप स्टॉक के बारे में कहा जाता है कि बाय एंड फॉरगेट, क्या इतना सेफ है। इट इज़ मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है। जैसे आपने देखा होगा यस बैंक कभी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर था, लेकिन इसके स्टॉक्स आपने देख सकता है एक साल में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आरकॉम कभी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर था, अभी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाद आप नोकिया, तो ये सारे जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि इन्वेस्टर के रुपया को पूरी तरह से डुबो चुका है। तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि उसके जो बिजनेस है आगे ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्हीं ब्लू चिप स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आगे ग्रोथ हो, जिसके प्रोडक्ट मार्केट में डोमिनेट करता हो। ये सारे कंडीशन आपको क्रिटेरिया याद रखना है, और उसमें जो लगातार कंपनियां जो रेवेन्यू अर्न करती है वो कैश में अर्न करती हो, ऐसा नहीं कि वो किसी को उधार दिया आगे चल करके वो डिफॉल्ट कर गया। इस तरह के जब बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें आपको कैश फ्लो देखना चाहिए कि कैश फ्लो कितना हो रहा है कंपनी का। तो जो कंपनियां कैश रिच कंपनियां होती है, मतलब जो लार्ज कैप कंपनियां हैं कैश रिच कंपनी है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ, मतलब ब्लू चिप स्टॉक भी ऑलवेज सेफ नहीं है, क्योंकि आपने देखा आरकॉम, एस बैंक, नोकिया, कोडेक, इस तरह के बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो आगे हमारा आता है सम बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर एज सेक्टर वाइज। तो अब हम सेक्टर वाइज आपको कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स बताएंगे जिसपे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको दिखाएंगे, जो 20,000 करोड़ होता है उससे एवब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसे हम जनरली ब्लू चिप स्टॉक मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला लिए हैं आईटी सेक्टर के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसको। तो आईटी सेक्टर के जो ब्लू चिप स्टॉक है सबसे पहला कौन है, टीसीएस। दोस्तों टीसीएस जो हमारे पूरे स्टॉक मार्केट की दूसरी नंबर कंपनी है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब दूसरा सबसे बड़ी मतलब सबसे लार्ज कैप कंपनियों में दूसरे स्थान पे हमारा टीसीएस, पहला है हमारा रिलायंस। तो दूसरा हो गया आईटी सेक्टर से हमारा इंफोसिस, देखते हैं मार्केट कैप यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, आप मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे अधिक है। उसके बाद है एससीएल टेक, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऑर्डर में ये नहीं है, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है। हमने ऐसे ही आपको क्वालिटी के आधार पर स्टॉक्स को लिया है, ये किसी ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद जो हमारा चौथा स्टॉक है आईटी सेक्टर से वो है बेप्रो, उसके बाद हमारा आ गया टेक महिंद्रा, पांचवा स्टॉक्स। तो ये पांच स्टॉक्स है आईटी सेक्टर से, इन ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जानते हैं कि जो हमारा टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, और इन्वेस्टर को बहुत ही मतलब ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया है। और बिप्रो आपके 10,000 रुपये को ये अरबों रुपया में कन्वर्ट कर चुका है, तो इतने बेहतरीन रिटर्न ये सब कंपनियां दे चुकी है। तो आपको ऐसे ही ब्लू चिप स्टॉक में इस गिरावट के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम सारे सेक्टर्स के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं आज उसको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई जान सके जो ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, कौन सेक्टर के कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तो अब आते हैं हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर जो कि बेहतरीन सेक्टर है हमारा, इसके जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं एचयूएल, देखते हैं हमारे ये तीसरे चौथे नंबर की मतलब टॉप फाइव में आने वाले ये हमारे स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं एचयूएल टॉप फाइव के स्टॉक्स हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर देख सकते हैं 483 करोड़। तो ये सारा करोड़ में है, यहाँ पर हम पहले ही देख आ चुके थे आपको मार्केट कैप जो है वो करोड़ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो हमारा होगा सारा का सारा करोड़ में होगा, इतना करोड़ मार्केट कैप। तो दूसरा हमारा है नेस्ले इंडिया, तीसरा है हमारा ब्रिटेनिया, चौथा है हमारा आईटीसी, और पांचवा है मैरिको। तो एचयूएल के स्टॉक्स को क्यों आप बाय नहीं करेंगे, लक्स हो गया, डिटोल हो गया, आप जितना प्रोडक्ट ले लें, किसान सोस ले लीजिए, आप लाइफ बॉय ले लीजिए, लक्स ले लीजिए, डव
ले लीजिए, जितने भी आप देख सकते हैं आप जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आपको उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट आपको HUL के मिलेंगे। अब मैगी खाना कौन नहीं पसंद करता है, तो मैगी समझ सकते हैं नेस्ले इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद ब्रिटानिया का बिस्कुट हर कोई खाता है, ITC आपने गुड डे बिस्कुट खाया होगा, सीक्रेट लिया होगा, क्लासमेट के जो कॉपी है नोटबुक है उसको यूज़ किया होगा, पैरासूट जो हमारा देखते हैं पैरासूट जो प्रोडक्ट है मैरिको का, तो ये सारी कंपनियां जो है वेल एस्टेब्लिश कंपनियां, ये सारे कंपनियों के प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ऐसी कंपनियां जैसे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहे हैं तो आपको अवश्य बाय करना चाहिए। हर सेक्टर से आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई करना, हर सेक्टर से दो दो ब्लू चिप स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए या एक ब्लू चिप स्टॉक हर सेक्टर से। उसके बाद हमारा तीसरा है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर से और भी बहुत सारे इसमें मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पांच लिया है, सन फार्मा, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लिखा हुआ है, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला देख सकते हैं, लूपिन, डिवीज लैब, ये कोई मार्केट कैप का ऑर्डर में नहीं है, देख सकते हैं डिवीज लैब का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने इसे लास्ट पर लिया है, तो आप इसको पहले ले सकते हैं, मतलब इसमें आपको पाँच में से दो स्टॉक चूज करना है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस गिरावट वाले मार्केट में। उसके बाद हम चलते हैं अगला है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर के जो पांच लार्ज कैप स्टॉक्स है, तो पहला हमारा आ गया HDFC, तो HDFC और SBI ये तो हर कोई जानता है कि हमारे इंडिया के जो इकोनॉमी है या कहें हमारा इंडिया जो है उसका बैकबोन है हमारा HDFC और SBI। तो पहला हो गया HDFC बैंक, मार्केट कैप यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा हो गया ICICI बैंक, तीसरा हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, चौथा हो गया आपको एक्सिस बैंक और पाँचवा हो गया हमारा SBI बैंक। तो इसमें से कोई दो स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो पाँचवा देखते हैं यहाँ हमारा SBI बैंक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मारुति सुजुकी है, बहुत ही सस्ते फोर व्हीलर्स आपको ख़रीदना हो तो मारुति सुजुकी उसकी लीडिंग कंपनियां है। दूसरा टू व्हीलर की जो लीडिंग कंपनियां है हीरो मोटर कॉर्प, टू व्हीलर की जो लीडिंग कंपनियां हीरो मोटर कॉर्प। उसके बाद जो हमारा बजाज ऑटो है बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद चौथा महिंद्रा एंड महिंद्रा, पाँचवा आयसर मोटर। तो इसमें तो हम कहेंगे आपको टॉप थ्री स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए, ये जो टॉप तीन स्टॉक्स है इस गिरावट वाले मार्केट में आपको तीन स्टॉक्स जो ऊपर वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल में आपको बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने मिलेगा। उसके बाद है हमारा जो मिसलेनियस है, मतलब अलग अलग सेक्टर है उससे, रिलायंस हमारे स्टॉक मार्केट की सबसे नंबर वन स्टॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसके बाद दूसरा है जो मिसलेनियस से है हमारा टाइटन, इसका बहुत सारा रिलायंस का बिजनेस है, रिटेल है, जियो है, उसके बाद पेट्रोलियम है, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें। उसके बाद टाइटन ज्वेलरी बिजनेस में है, उसके बाद एशियन पेंट तो आपने यूज़ किया ही होगा, पेंट घर को पेंट करने के लिए, गाड़ी को पेंट करने के लिए सारे में यूज़ होता है। उसके बाद चौथा पिडिलाइट इंडस्ट्री, आपने फेविकॉल यूज़ किया ही होगा, तो इसके जो प्रोडक्ट है फेविकॉल जिसका कोई टक्कर नहीं है, तो समझ सकते हैं ऐसे लार्ज कैप कंपनियाँ मतलब जिसके प्रोडक्ट का मार्केट में कोई टक्कर नहीं है, इसके प्रोडक्ट जो है पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं मार्केट में, ये हम क्वालिटी पहले ही आपको बताए थे। उसके बाद L&T इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सामान आप लेते होंगे, निश्चित है कि आप जो इलेक्ट्रिक सामान खरीदते होंगे उसमें ज्यादातर हेवल्स के ही प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद हम चलते हैं फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर के जो बेहतरीन पांच कंपनियां हैं, पहला है बजाज फिनसर्व, ये पेरेंट कंपनी भी है बजाज फाइनेंस की, यहाँ मार्केट कैप लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा है HDFC, तीसरा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसके अंदर बजाज लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाता है, बजाज फाइनेंस भी आ जाता है क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। उसके बाद जो हमारा आता है HDFC AMC चौथा, और पाँचवा हमारा आता है HDFC लाइफ। तो ये बेहतरीन कंपनियाँ हैं अलग अलग सेक्टर की, मतलब जो ब्लू चिप कंपनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा हर सेक्टर के ब्लू चिप स्टॉक के बारे में जानने में, और ब्लू चिप स्टॉक के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे कि ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, कितना ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना सेफ है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।